कहती हैं कि तुम उसको जोर से मारो, तो ये एक बदतरीन वीडियो देखने के बाद हम तमाम को तकलीफ हुई है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पिछले 9 साल में जो नफरत की सियासत बीजेपी कर रही है और उसी का खैमियाजा आज हम देख रहे हैं कि भारत के गरीब अवाम, खास तौर से मुसलमान, दलित इसका शिकार हो रहे हैं इस नफरत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। कल जो वीडियो आवाम के दरमियान में आया जिसमें ये बताया गया कि 24 अगस्त का ये वीडियो है, मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल और गांव कुलबापुर का एक वीडियो है जिसमें स्कूल की प्रिंसिपल, जिनका नाम मोहतरमा तृप्ति त्यागी है, उस वीडियो में बैठकर एक मुसलमान लड़के को, जिसकी उम्र 7 साल है, प्रिंसिपल साहिबाएं कह रही हैं कि इस मोहम्मदन बच्चे को मारो, और बारी बारी से आकर उसी क्लास के उसके बच्चे, स्कूल के उस क्लासमेट्स आकर उस मुसलमान लड़के को थप्पड़ मारते हैं। तो मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा कहती हैं कि तुम उसको जोर से मारो। तो ये एक बदतरीन वीडियो देखने के बाद हम तमाम को तकलीफ हुई है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पिछले 9 साल में जो नफरत की सियासत बीजेपी कर रही है और उसी का खैमियाजा आज हम देख रहे हैं कि भारत के गरीब अवाम, खास तौर से मुसलमान, दलित इसका शिकार हो रहे हैं इस नफरत का। और ये जो वीडियो है ये इस बात को बताता है कि पिछले कई सालों से जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन्हीं को एक क्रेडिट जाता है कि उनकी जो पॉलिसीज रही हैं उसकी वजह से आज टीचर्स में भी ये नफरत पैदा हो चुकी है कि वो अपने ही क्लास में, अपने ही क्लास के बच्चों से कहकर मजहब की बुनियाद पर, समुदाय की बुनियाद पर बच्चों को मारने लगाते हैं और ये कहकर मारते हैं कि ये इसका ताल्लुक, ये मुसलमान है, इसको मारो, पीटो, जोर से मारो इसको। सवाल ये पैदा होता है कि नफरत कहां से शुरू हुई है, ये नफरत का जिम्मेदार कौन है। जैसा कि मैंने कहा, इस नफरत का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, इस नफरत का जिम्मेदार वो तमाम सेकुलर पार्टीज हैं जो सिर्फ हिंदू वोट को नाराज नहीं करने के लिए गूंगे बन जाते, अंधे बन जाते। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर ये नफरत रुकेगा नहीं तो इससे मुल्क कमजोर होगा। आखिर जब हम चंद्रयान को चांद पर, साउथ पोल पर उसको लैंड कर सकते हैं, तो फिर बताइए नफरत क्या है ये। और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम, अगर आप देखेंगे, एनरोलमेंट होता है तो मुसलमानों का एनरोलमेंट होता है। प्री प्राइमरी लेवल पर मुसलमानों का खाली 15.1% एनरोलमेंट है, हमारे दलित भाइयों का 14.6 है, ओबीसी भाइयों का 45.5% है। प्राइमरी लेवल पर आप आ जाइए तो 17.4 मुसलमानों का है, 26.7 दलित भाइयों का, 54.2 हमारे ओबीसी भाइयों का है। और जो प्राइमरी लेवल पर जो एजुकेशन लेवल है कितना है वो बता दीजिए आप, मुसलमानों का सबसे कम है। एजुकेशन मिडिल लेवल पर आप आ जाइए, मुसलमानों का 16.8% है उत्तर प्रदेश में और जनरल पॉपुलेशन का 25.5% है। तो इससे मालूम हो रहा है कि 74% उत्तर प्रदेश के मुसलमान के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4.4% मुसलमानों के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है। और ये इतना ये हाल है तालीम के मैदान में, शिक्षा के मैदान में, उसके बाद ये नफरत के मजाहरे स्कूल में किए जाते हैं। मैं आज सुबह में उस लड़के के पिता से, वालिद से मैंने फोन करके बात की। मैं अपने गम और अपनी तकलीफ का इजहार उस लड़के के वालिद से किया
और मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब उसके वालिद ने कहा कि गांव का माहौल खराब हो जाएगा, इसलिए हमसे कहा गया कि हम कंप्लेन ना करें। आप बताइए हम इस मुल्क को किस दहाने पर ला चुके हैं कि एक बाप अपने बेटे की बेइज्जती, उसकी मार, उसके जो पीटा गया उसके इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ने दिया जा रहा है। उसको यह कहा मजबूर, उसको कहकर मजबूर कर दिया गया कि माहौल खराब हो जाएगा। क्या इस देश में एक बाप अपनी बेटे की इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ सकता? कौन सा माहौल खराब होगा बताइए आप? माहौल किसका खराब होगा? माहौल उन लोगों का खराब होगा जो नफरत फैला रहे हैं। आज एक बाप अपनी बेटे की इज्जत की लड़ाई नहीं लड़ सकता, उसकी स्कूल में तालीम की उसको हासिल करने की लड़ाई नहीं लड़ सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बस मुझे तकलीफ है कि ये माहौल नफरत का बढ़ता जा रहा है और ऐसे माहौल में हमको इंसाफ की लड़ाई लड़ने से भी रोका जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर रिएक्ट करेंगे। और बड़ी तकलीफ मुझे हो रही है कि एक बेलेबल सेक्शन लगा दिया गया टीचर पर। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो साफ कहता है कि सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वो लगाना चाहिए उनके ऊपर, 5 साल की सजा का प्रोविजन उसमें है, मगर टीचर पर नहीं लगाया गया। लगाते आप ताकि अब उनकी बेल भी हो गई है। ये आपका इंसाफ है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार का? कहां गया आपका बुलडोजर? कहां गया आपकी ठोकदो की पॉलिसी? क्या आपके बुलडोजर ठोकदो की पॉलिसी सिर्फ समुदाय को देखकर चलेगा? क्या आपकी ठोकदो की पॉलिसी समुदाय देखकर इस्तेमाल होगी? जिंदगी भर का एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उस मासूम बच्चे पर पड़ चुका है। मैं उनके वालिद से आज सुबह में बात करके उनसे मैं रिक्वेस्ट किया कि आप अपने बच्चे की तालीम को जारी रखने के लिए आप हैदराबाद भी जाइए, हम हैदराबाद में उसको तालीम दिलाएंगे। तो उस वालिद ने मुझसे कहा कि ओसी साहब आपका शुक्रिया, मगर मेरे बेटे की उम्र 7 साल की है। आप अंदाजा लगाइए, जो कोई भी मेरी इस बात को सुन रहा है सोचिए, आपके पेट में भी औलाद है, अल्लाह ने आपको भी औलाद दी है। चाहे हम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, कुछ भी हो, अगर आपके बेटे से इस तरह का बर्ताव किया जाता, आपकी बेटी से इस तरह का बर्ताव किया जाता और उसका वीडियो पूरे देश में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता, आप कभी नींद की आराम की नींद सो सकते हैं? हां, वो लोग नींद की आराम की नींद सो सकते हैं जिनके दिलों में मुसलमानों की नफरत भरी हुई है, जिनके दिलों में इंसानियत नहीं है, जिनके दिलों में शैतानियत भरी हुई है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तकलीफ हो रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस प्रिंसिपल को बचाने के लिए, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, उन पर आपने बेलेबल सेक्शन लगा दिए। मुझे 1930 का जर्मनी याद आ रहा है, जब 1930 के जर्मनी में यहूदी बच्चों से, छोटे मासूम बच्चों से, उनके हाथों से उस ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता कि तुम लिखो अपने हाथों से कि यहूदी जर्मनी के लिए बड़ा खतरा है, होशियार रहो। आज वही हाल भारत के मुसलमानों से किया जा रहा है। अब सिर्फ किस क्या क्रिस्टल नाक मूवमेंट होना बाकी है, वही हाल पे हम उसी रविश पर चल रहे हैं। ये हमारी देश के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। आप बताइए कौन सा विकास है? एक वर्दी पहनने वाला हथियार से नाम पूछकर कत्ल कर देता है एक टीचर, कि हमको इस नफरत के खिलाफ बेबाकी से मुकाबला करना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आप मुझ पर लाख इल्जाम लगा लो, याद रखो हालात उस वक्त तक नहीं बदलेंगे जब तक आप मुस्लिम समुदाय अपनी एक सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएगा। एक वीडियो देखकर तुम रोते हो, नूह के बर्बाद हुए घरों को देखकर तुम रोते हो, बुलडोजर चलता हुआ तुम अपनी आंख में आंसू लाते हो। अरे ये बुजदिली के मजाहरे करना छोड़ो, रोना छोड़ो, एक सियासी ताकत बनो, हिम्मत दिलाओ अपने आप को, नाउम्मीदी को अपने करीब आने मत दो। ये हाल हो रहा है, अगर आज भी आप बेदार नहीं होंगे तो क्या सुबह क़यामत में आप बेदार होंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेबाकी से अपनी औलाद को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और बेखौफी किसको कहते हैं? आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक अल्तमश नाम के बच्चे को टीचर के कहने पर मारा गया, मगर हैदराबाद में, आज हैदराबाद में, हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में, चंद्रायन गुट्टा असेंबली सेगमेंट में,
जिसके एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी है, उनकी नुमाइंदगी पर, उनके रिप्रेजेंटेशन पर तेलंगाना की केसीआर की सरकार ने एक तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज बनाया। आपको जानकर खुशी होगी कि यहां पर आपकी एक सियासी ताकत है, एक लीडरशिप है। हमने ये तेलंगाना माइनॉरिटी रिसर्च जूनियर कॉलेज बनवाया अकबरुद्दीन ओवैसी ने। यहां के इस रेजिडेंशियल माइनॉरिटी कॉलेज के 5 बच्चे नीट क्वालिफाई करके उनको गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। आज दारुसलाम एमआईएम हेडक्वार्टर पर मैंने उन 5 बच्चों को बुलाया। आपको मालूम होकर जानकर खुशी होगी कि एक बच्चे का नाम गौतम राज है, मुसलमान नहीं है, वेमलुवाड़ा का रहने वाला है, ओल्ड करीम नगर डिस्ट्रिक्ट का। और फिर ताहिर शरीफ है, परवेज है, जैनब है और मोहम्मद शरीफ है। इसमें से एक लड़के के वालिद तरकारी बेचते हैं, क्योंकि हमने उसको स्कूल में उसको मौका मिला, वो तालीम हासिल किया। तरकारी बेचने वाला एक लड़का आज एमबीबीएस करने जा रहा है। एक लड़का मुझसे कह रहा था कि उसके वालिद बीमार रहते हमेशा, बिस्तर पर फरिश है, उसको मौका मिला। हमने इन 5 को बुलाया। 5 को बुलाकर हमारे दारुसलाम चैरिटेबल ट्रस्ट से एक एक को 25,000 रुपए का चेक दिया और उनसे कहा कि बेटा 5 तुम तालीम हासिल करो, इन हमारी बेटियों से भी तालीम हासिल करो, डॉक्टर बनो, हम 5 तुम्हारी मदद करेंगे जो हमसे हो सकेगा, मगर तुम खूब काबिल बनो। ये फायदा आप देखते हैं। अरे लाख मुझ पर इल्जाम लगा लो मगर ये काम तो देखो। तुम लाख गाली दे दो टीआरएस को, केसीआर को, सऊदीन ओवैसी को, अकबरुद्दीन ओवैसी को, मगर ये काम हमने करके दिखाया कि गवर्नमेंट से हमने रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज बनाया बारकस में। वहां के 5 गरीब परिवारों के बच्चे, जिसका नाम है गौतम राज है, ताहिर शरीफ है, मोहम्मद परवेज है, मोहम्मद शरीफ है, जैनब है, ये गरीब परिवारों के बच्चे आज मेडिसिन करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मारा जा रहा है टीचर से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप खुद महसूस करिए मगर अपने हौसलों को बुलंद रखिए। हम उम्मीद करें या ना करें मुझे नहीं मालूम, मगर देश के प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। इस टीचर को आप अरेस्ट करवाइए। और बोला जा रहा है कि वो मोहतरमा हैंडीकैप है। अरे दुनिया जानती है कि जो हैंडीकैप होता है वो इंसानों से और हमदर्द होता है। ये कैसा मिजाज है, मगर ये सब नतीजा है नफरत की राजनीति का, जिसका खैमियाजा आज भारत में मुसलमान दलित इसको झेल रहा है। बस यही पैगाम मुझे देना था आप तक आप तमाम तक, मगर बेखौफ रहकर अपना काम करिए, नाउम्मीदी को अपने करीब आने मत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।